हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले फर्नीचर से मेजरमेंट लिया है, सेम ऐसे ही हमें बड़े वाले का भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका इस तरह से मेजरमेंट लेंगे, इसके सीट का। ये देखिए, दूसरे कोने से लेके दूसरे कोने तक जितने से हमें फ्रिल लगानी है उतना छोड़ के हमें इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो मैंने यहाँ से इसकी मेजरमेंट ली है, तो 51 आया है। तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, और इसकी यहाँ पे इसकी हम ये भी नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कीस है तो हम 22 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सिर्फ सिलाई मार्जिन में ही जाएगा, ये आधा इंच 2 इंच दोनों साइड से। और इसका बैक साइड का मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से, उसकी लेंथ का ले लेंगे हम। तो लेंथ हमारी इसकी 40 आ रही है, और ऊपर से इसकी चौड़ाई हम लेंगे तो हमारी चौड़ाई इसकी इस तरह से लेनी है। तो हमारी चौड़ाई इसकी आई है 21, तो हम यहाँ पे इसको 23 लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में, और लेंथ में 40 है तो 42 ले सकते हैं। और कपड़ा की चौड़ाई इतनी ना हो तो 40 ही रख लें। हम फ्रिल की लेंथ ले लेते हैं, फ्रिल हमारी 10 इंच की आ रही है तो हम नीचे फोल्ड करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रिल के लिए भी। अगर फोल्ड नहीं करना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा कट कर लिया है इस तरह से, ये देखिए सीट के लिए। तो मैंने साइड के पार्ट भी इसी में ज्वाइन रखे हैं, अलग से कट करके नहीं लगाऊंगी इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको कट किया हुआ है। इसका बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से मैंने दो पार्ट कट कर लिए हैं इसके। ये देखिए पीछे से भी इस तरह है इसका, जितनी फ्रिल आगे साइड लगेगी उतना ही बैक साइड में भी छोड़ा है मैंने। आप चाहें तो बैक साइड में भी फ्रिल लगा सकते हैं, चाहे तो पट्टी लगाएं। अगर दीवार की साइड रखते हैं तो पट्टी लगा लें, और कहीं खुली जगह पे फर्नीचर रखा जाता है तो फ्रिल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट कट कर लिए हैं इनके। तो ये जो नीचे सीट वाला पार्ट है इसका मेजर करेंगे यहाँ से नीचे की साइड भी, तो हमारा 16 आया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों साइड से हमें 16 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए। ये देखिए इस तरह से कोने से लेना है हमें 16 इंच पे, हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने मार्किंग लगा देनी है दोनों साइड में इस तरह से। इसी तरह से हम इस साइड भी लगाएंगे। साइड पे हमने मार्किंग लगा ली है। अब जो इसका ऊपर का पार्ट है इसको हम इस तरह से कवर करेंगे अच्छे से, और बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रखना, ताकि इसकी कटिंग हो तो अच्छे से हो। तो यहाँ पे हम इसका मार्किंग कर लेंगे कोने पे यहाँ पे, ताकि इसकी अच्छे से कटिंग हो सके। तो इसके जो साइड के पार्ट्स हैं वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकले हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे ही कट करेंगे यहाँ से चौड़ाई की तरफ इधर को। तो यह देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच इस तरह से ले लिया है, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। ध्यान से कट करना है, ज़्यादा ना कटे। तो इस तरह से फिर हमें नीचे की तरफ सीधी पट्टी इस कट करके इसको निकाल देनी है। से मैंने इसको कट कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे जॉइंट होगा, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली थी और उसी हिसाब से हम कट करेंगे इसको। बहुत ही अच्छे से ध्यान से कट करना है, गलती से ज़्यादा नहीं कट कर देना, तो फिर सिलाई में ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग करी थी, अब वहाँ पे हमें इसकी सिलाई लगानी है बैक पार्ट को जॉइंट करके। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखते हुए जॉइंट करेंगे मार्किंग के ऊपर, इस तरह से रख लेंगे दोनों साइड से कि दोनों साइड की मार्किंग के ऊपर आए लेवल। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से यह हमारा आ गया है पीस। तो इस पर हम पिनअप कर लेंगे पहले, चाहे तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, तो पिनअप करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे।
हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है इसमें। इसको सिलने के बाद एक बार हम इसको अच्छे से लगा के देखेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से लगा लिया है। तो अभी जो हमने साइड के इसके यहाँ पे कोने पे कट करे हैं इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें यहाँ दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लेंगे कपड़े को और इस पे सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पे जब ये कटिंग आती है कोने वाली तो हम हल्के से कपड़े को घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। साइड की सिल लिए कोने की सिलाई और इसको फिर से कवर करके देखेंगे। हम इसके साइड की पट्टी कट करेंगे। तो इसको पहले अच्छे से हम मेजर कर लेंगे। दोनों लेवल आ रहे हैं, दोनों आगे पीछे से दोनों लेवल हमारे बराबर होने चाहिए इस तरह से। और हम इसकी पट्टी का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, 4.5 इंच। अगर जितनी भी हो आपकी हो पट्टी की तो उसी हिसाब से आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। और लेंथ में भी 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ऊपर सिलाई लगेगी नीचे से इक्वल आ जाएगा तो फिर लगने के लिए ठीक रहेगा वो। तो इसकी लंबाई में हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और चौड़ाई में 1 इंच। तो इस तरह से हम इसको पहले पिनअप कर लेंगे ऊपर से ताकि सिलने में इधर उधर ना हो और अच्छे से इक्वल तरीके से सिल जाए बिल्कुल। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पिनअप कर लिया है। उसके सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से दोनों साइड में कि ऊपर से पिनअप कर लिया है तो इस तरफ से यहाँ नीचे से सिलाई लगाएंगे अच्छे से। मैंने इसमें लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। अगर आप किसी पतले कपड़े से बना रहे हैं तो आप लाइनिंग का यूज़ ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। कपड़ा बिल्कुल अगर फिसलने वाला है या पतला है तो एक जगह स्थिर रहता है, तो लाइनिंग लगाने से उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। पर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं इसी तरह से बना रही हूँ। आप अगर लाइनिंग लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं। साइड की पट्टी जॉइंट कर ली इसी तरह से, इस तरह से, और दोनों साइड की पट्टियां हम जॉइंट कर लेंगे इसी तरह। तो यहाँ पे दोनों साइड की पट्टियां मैंने जॉइंट कर ली हैं और इसको फिर से अच्छे से कवर करेंगे। Thank you.
दोनों साइड को इक्वल करके अच्छे से बराबर करके रखेंगे पहले, फिर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कट करूँगी बिल्कुल साइड से, देखिए इस तरह से कि कोने पे आ रही है कटिंग। तो इस तरह से दोनों कोनों पे मैंने कट कर लिया है, और ये मेजर करके देखेंगे तो 3 इंच है। जितनी हमारी गद्दी ऊंची होगी उस हिसाब से हमें कट करना है। तो 3 इंच ऊंची है हमारी गद्दी, तो उसी हिसाब से मैंने कट किया है 3 इंच इसमें, ये देखिए। तो इस तरह से दोनों साइड मैंने कट कर लिए हैं 3 इंच। अब तो यहाँ ऊपर के कोने से हम नीचे की कटिंग पे मिलाते हुए तिरछी लाइन कट करेंगे इस तरह से, ये देखिए तिरछी लाइन कट करनी है यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ को। दोनों साइड हम इसी तरह से कट कर लेंगे, और अब इसके लिए पट्टी लगाने के लिए मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी है 1 इंच हम चौड़ाई में एक्स्ट्रा रखेंगे और लंबाई में 1/2 इंच। तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं इस तरह से। तो इनको सेम हमने जैसे साइड की पट्टियाँ ज्वाइंट करी थी, वैसे ही हम यहाँ पे फ्रंट पे भी ज्वाइंट करेंगे पट्टियाँ ये वाली। दोनों साइड की पट्टियाँ ज्वाइंट हो चुकी हैं, और ये देखिए इस तरह से ये रेडी हुआ है ऊपर का इसका पार्ट। अब इसमें हमें फ्रिल लगानी है, 3 साइड मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी और बैक साइड में पट्टी लगाऊंगी ऐसी सिंपल। तो फ्रिल के लिए कपड़ा कट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फ्रिल के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइड से कट कर रही हूँ अभी, तो किनारे की तरफ सिलने की इतनी मुझे लग नहीं रहा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगे कि किनारे बीच से कट कर रहे हैं या कहीं और से फ्रिल के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं, तो फोल्ड करने के लिए आप 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। इसकी कटिंग फ्रिल की आप सबसे लास्ट में करें, पहले आप जितने कवर बना रहे हैं सोफ़े के
उस हिसाब से आप पहले ऊपर का पार्ट और उसके सीटिंग का पार्ट कट करके रख लें, तो उसके बाद फ्रिल कट करें बचे हुए कपड़े से, तो इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता, अच्छे से कवर हो जाता है सब कहीं। मैंने भी पहले सारे पार्ट कट कर लिए थे, फिर बचे हुए कपड़े से फ्रिल निकाली थी, इससे बहुत अच्छा रहता है, कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो अभी मैं फ्रिल बना लेती हूँ। तो फ्रिल मैंने सुई से बनाई है पहले इस तरह से, ये सिंपल फ्रिल है, प्लेट वाली फ्रिल भी आप लगा सकते हैं। मैंने ऐसे ही सुई से बना के चुन्नट वाली फ्रिल लगाऊंगी इसमें। इसी तरह से हम पूरी फ्रिल रेडी कर लेंगे। फ्रिल के लिए अगर हम छोटे छोटे पार्ट कट कर रहे हैं तो उनको साइड से जॉइंट कर लेंगे अच्छे से, और उनकी फ्रिल बनाएंगे, और नीचे साइड के तरफ हम उसको फोल्ड कर देंगे, या पीको भी कर सकते हैं आप नीचे की तरफ। साइड से फ्रिल लगाना स्टार्ट करूंगी इधर से, और तीन साइड में फ्रिल लगाऊंगी इस तरह से। तीन साइड इस तरह से फ्रिल लग जाएगी, और बैक साइड में आप चाहें तो फ्रिल भी लगा सकते हैं, चाहे पट्टी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल पट्टी लगाऊंगी इस तरह से। सुई से जो हम फ्रिल बनाते हैं तो हमें धागा खींचते हुए फ्रिल लगानी होती है चुन्नट बनाते हुए, तो इस तरह से मैंने फ्रिल लगाई है हल्की हल्की चुन्नट बनाते हुए इस पे। तो इसी तरह से हम इसको पूरे में लगा लेंगे। तो यहाँ बैक साइड पे मैं बिल्कुल सीधा ऐसे ही प्लेन करके लगाऊंगी, और ये जो हमने फ्रिल के लिए फ्रिल बनाई थी, जो हमारा धागा इसमें सुई से है लगाया था फ्रिल बनाते समय, उसको हम लास्ट में निकाल देंगे। ये हमारा सोफा कवर बनके रेडी हो चुका है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा सोफा कवर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।